Assalamu alaikum. This video will be an overview on fixed partial denture. So I'll be recording this video in Hindi and I'll also have an English version of the same video. So if you are interested in watching it in English, I would leave the link in the description box below. You can just click on that link and go to the English version. So we are going to start with the fixed partial denture, and this is kind of general overview of what is fixed partial denture and what are the indications and what are the parts of the fixed partial denture. तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसके कुछ दांत गायब हैं, तो एज अ डेंटिस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे. या तो हम उसे रिमूवेबल डेंचर देंगे, यानी कि वो खुद से उसे निकाल सकेगा, या तो हम उस पर फिक्स डेंचर देंगे. तो क्या होता है फिक्स में कि वो उसे खुद से निकाल नहीं सकता है. हम टूथ प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अगल बगल के दांत को हम प्रिपेयर कर देते हैं और उस पर वो फिक्स कर देते हैं. तो प्रिपेयर करते हैं हम, मतलब जो बाहरी पोर्शन है उसे हम कट करके निकाल देते हैं, और जिस दांत पे ये हम करते हैं उनको अबटमेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये अबटमेंट टीथ जो है वो हमारे फिक्स्ड प्रोस्थेसिस को सपोर्ट करेंगे. कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एसपीडी बनाएंगे और उस पर लगा देंगे. तो ये एसपीडी जो है, जो ग्रे कलर का है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले जो दांत हम मिसिंग है, रिप्लेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉन्टेट. अगल बगल जो दांतों पे लगा है उनको हम रिटेनर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिटेन कर रहा है हमारे एसपीडी को, हमारे जो पॉन्टिक हमने लगाई है उसको रिटेन, यानी कि उसको वहीं पे स्टेबल कर रहा है, ठीक है. तो ये रिटेनर हो गया, और ये लेफ्ट वाला जो टूथ है वो भी रिटेनर हो गया उस पर जो लगा है, ठीक. अब कुछ इंडिकेशंस होते हैं एसपीडी के कि हमें कब कब इसे देना है, ठीक है. शॉर्ट ईडेंटल स्पेस जब हो, मतलब ज्यादा अबटमेंट में प्रेशर ना पड़े तब. अबटमेंट टीथ हमारी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, हेल्दी होगी तभी तो सपोर्ट करेगी. टीएमजे डिसऑर्डर्स में देते हैं ताकि हमारा जो डेंटल ऑक्लूशन है वो हार्मोनाइज हो जाए. डेंटिशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी देते हैं, क्योंकि एक स्प्लिंट का काम करता है, जैसे हमने पेरोडोंटल थेरेपी की हो उसके बाद हम ये दे सकते हैं. जब पेशेंट खुद ही चाहता हो कि एफपीडी चाहिए उसे, तो एफपीडी देंगे, या जब कभी भी रिमूवेबल प्रोस्थेसिस इंडिकेट ना हो पेशेंट में तब हम उसे फिक्स देंगे. पॉन्टिक की बात करते हैं. पॉन्टिक वो आर्टिफिशियल टूथ होता है जो हम एक्चुअली मिसिंग टूथ की जगह रिप्लेस करके लगा रहे हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो बीच का पोर्शन हमें दिख रहा है, जिस जो सर्कल में है, वो मेरा पॉन्टिक है. अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है थ्री टाइप्स का होता है. 3M है बेसिकली, म्यूकोसल कॉन्टैक्ट के हिसाब से, मटेरियल यूज के हिसाब से, और मेथड ऑफ फैब्रिकेशन के हिसाब से. म्यूकोसल कॉन्टैक्ट के हिसाब से चार तरह का होता है. तो अगर मैं यहाँ पे अपनी रिज बना दूँ, ठीक है, तो कुछ पॉन्टिक ऐसे होते हैं जो रिज को कवर किए रहते हैं दोनों तरफ से, उन्हें हम बोलते हैं रिज लैप या सैडल पॉन्टिक. कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तरफ रिज को ही कवर किए रहते हैं, दूसरी तरफ ओपन रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिज लैप. और कुछ पॉन्टिक ऐसे होते हैं जो रिज के अंदर ही रहते हैं पूरा, दे आर कन्फाइंड विद इन द रिज ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेट पॉन्टिक. कुछ पॉन्टिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट रखते हैं रिज से, उनको हम लोग बोलते हैं कॉनिकल पॉन्टिक. इसको एग शेप पॉन्टिक या बुलेट शेप्ड या हार्ट शेप पॉन्टिक भी बोलते हैं. विदाउट म्यूकोसल कॉन्टैक्ट दो तरह का होता है, एक सैनिटरी होता है, एक मॉडिफाइड सैनिटरी होता है, ठीक है. सैनिटरी में क्या होता है, इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ईजी क्लेंजिंग हो जाती है, और इसमें रेसिडुअल रिज से पॉन्टिक कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करता है. एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो ऑक्लूशियो जिंजाइवल थिकनेस है पॉन्टिक का, वो 3 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए. मॉडिफाइड सैनिटरी पॉन्टिक जो होता है, इसमें मेसो डिस्टल कॉन्केविटी हम कर देते हैं, तो ये एक अल्टरनेट डिज़ाइन है. इसमें और सैनिटरी में फ़र्क ये है कि मॉडिफाइड सैनिटरी में एडेड स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कनेक्टर्स को, मतलब कनेक्टर्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिल गई हमें, और जो है ईजी क्लेंजिंग तो होगी ही होगी, ठीक. तो दो फायदे हो गए. मटेरियल के हिसाब से पांच तरह के होते हैं, ऑल मेटल, ऑल सिरामिक, मेटल सिरामिक, मेटल विद रेजिन फेसिंग पॉन्टिक, एंड फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट पॉन्टिक. तो जो मटेरियल हमने यूज किया उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है.
रिटेनर का क्लासिफिकेशन भी हम तीन तरह से करते हैं, कवरेज, मटेरियल और रिटेंशन के हिसाब से। तो CMR के हिसाब से हम करते हैं। कवरेज के हिसाब से तीन तरह का होता है, कंप्लीट कवरेज जिसे हम लोग फुल विनियर रिटेनर बोलते हैं, और पार्शियल कवरेज जिसे हम लोग पार्शियल विनियर रिटेनर बोलते हैं, और कंजर्वेटिव रिटेनर होता है जो हम लोग एंटीरियर टीथ में देते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उस पर हम ज़्यादा हैवी लोड नहीं लगा सकते हैं। मटेरियल के हिसाब से जैसे पहले बताया था, ऑल मेटल रिटेनर है, मेटल सिरामिक है, ऑल सिरामिक है, एक्रेलिक है। रिटेंशन के हिसाब से एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर होता है, इंट्रा कोरोनल रिटेनर होता है और रेडिकुलर होता है। एक्स्ट्रा कोरोनल में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल सरफेस से रिटेंशन लेते हैं, ठीक है, और इंट्रा कोरोनल में क्या होता है हम लोग जो है जैसे इनलेज ऑनलेज की हेल्प से हम लोग रिटेंशन रिटेनर बनाते हैं। रेडिकुलर रिटेनर में हम लोग अबटमेंट के रूट से रिटेंशन लेते हैं। अब ये फुल कवरेज और पार्शियल कवरेज रिटेनर्स क्या होते हैं। फुल कवरेज का मतलब है कि जो अबटमेंट है उसके चारों सरफेस यानी कि जितने भी सरफेस है सबको इन्वॉल्व कर लेगा, और जो पार्शियल कवरेज होता है उसमें अबटमेंट के सारे सरफेस को कवर नहीं करते हैं। तो फुल वाले में हमें ज़्यादा अच्छा रिटेंशन मिलता है कंपेयर टू द पार्शियल। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अभी मेरी रिसेंटली सर्जरी हुई है तो मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी वॉइस कुछ एरी साउंड कर रही होगी, सो आई होप यू डोंट माइंड दैट। और बहुत डिस्टर्बेंस भी था बिकॉज आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। एनीवेज आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डू कॉमेंट। योर कॉमेंट इज़ माई मोटिवेशन। मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि ऐसा सच में है, योर कॉमेंट इज़ माई मोटिवेशन। और मुझे फील होता है कभी कभी कि वाई आई एम डूइंग दिस, चलो छोड़ देते हैं हम नहीं करेंगे, बट कोई कमेंट आ जाता है एंड इट जस्ट चेंजेस माय माइंड अगेन, मैं फिर से वीडियो बनाने लगती हूँ। सो टेक केयर, टिल मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।